आईएसआई के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आईएसआई एजेंट आफताब अली को यूपी के फैजाबाद से गिरफ्तार किया गया है। तो हवाला के जरिए आफताब तक पैसे भेजने वाले अल्ताफ कुरैशी को मुंबई से पकड़ा गया। वहीं आफताब तक पैसे पहुंचाने वाले एक और एजेंट जावेद को भी मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि फैजाबाद से गिरफ्तार आफताब के पास सेना से जुड़ी जानकारी जुटाने का जिम्मा था। यूपी के फैजाबाद में सेना का भर्ती और ट्रेनिंग सेंटर है। आफताब अपने मोबाइल फोन से आईएसआई को नक्शे भेजा करता था। आफताब दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग के संपर्क में भी था। वहीं आफताब को अल्ताफ कुरैशी हवाला के जरिए पैसे भेजा करता था। अली नाम के एक व्यक्ति को उन्होंने अरेस्ट किया है। ये व्यक्ति पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था। इसको आईएसआई ने कल्टीवेट किया, रिक्रूट किया, क्योंकि ये पाकिस्तान जाना चाहता था। इसका वीजा कई बार रिजेक्ट कर दिया गया और फिर वीजा जब दिया गया तो फिर इसको उन्होंने पटाया, मोटिवेट किया कि ये भारत विरोधी गतिविधि में शामिल हो जाए। ये कराची गया तो वहां पर इसको बाकायदा ट्रेनिंग कराई गई और उसके बाद से लगभग 6 से 8 महीने पहले लौट करके आया और तब से लगातार ये सेना की जासूसी करने का प्रयास कर रहा था और कई बार सफल भी हुआ। ये मैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो फोर्स का मूवमेंट हो रहा था तो उसने फैजाबाद के अलावा लखनऊ में और सेंट्रल कमांड के इलाके में और जगहों पे भी जा करके यूनिट्स में देखा कि कितनी फोर्स है कितनी नहीं है और ये सारी रिपोर्टिंग की जो कि इसके सर्वेलेंस के जरिए और अब इसके फोन रिकवरी के जरिए प्रूव हो रही है।